हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिम फंक्शन के बारे में कि ट्रिम फंक्शन क्या होता है और किस तरह से ऑपरेट करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके पास बहुत बड़ी डेटा हो या कुछ डेटा हो और उसमें स्पेस रहता है, तो ट्रिम फंक्शन ये करता है कि वह स्पेस को रिमूव कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास डेटा रहता है, बहुत बड़ी डेटा, और उसमें बहुत सारा स्पेस रहता है और आप उस पर कोई भी फंक्शन ऑपरेट करना चाहते हैं, तो स्पेस होने के कारण सही से वर्क नहीं करता रहता है और उस समय बहुत ही दिक्कत होता है कि स्पेस को कैसे रिमूव किया जाए। लेकिन आप ट्रिम फंक्शन के द्वारा आप सेकेंड भर में उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा है और इस डेटा में जैसे कि स्टूडेंट से पहले स्पेस है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट और ये टू के बीच में स्पेस है, उसी तरह से इसमें स्टूडेंट थ्री के बाद स्पेस है, तो सभी सेल में कहीं ना कहीं स्पेस है। और इस सभी स्पेस को रिमूव कैसे करेंगे, तो वो उदाहरण के साथ चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रिमूव करने के लिए यहाँ पे फार्मूला ऑपरेट करने के लिए बराबर का निशान देना पड़ेगा। जैसे ही इक्वल टू का सिंबल देते हैं और उसमें टाइप करेंगे तो शो करने लगता है। जैसे कि मुझे ट्रिम फंक्शन को ऑपरेट करवाना है तो यहाँ पे ट्रिम लिखेंगे, टी आर, जैसे देखिए टी आर आई टी आर केवल लिखें तो थर्ड नंबर में ट्रिम का ऑप्शन आ गया, इस पर डबल क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कौन सा है, ये सामने वाला ये स्टूडेंट का लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट से पहले जो स्पेस था इसमें ऑटोमेटिकली स्पेस हट गया है। अब यही इसी को क्या करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो ये हो गया, सभी पे अप्लाई हो गया ये फंक्शन। और देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ स्पेस था इसमें स्टूडेंट में, सभी स्पेस हट करके और एक पूरी तरह से जो स्टूडेंट का जो यहाँ पे था स्पेस रिमूव हो करके दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप जितने भी सेल में चाहेंगे और जितने भी कॉलम में आप इसको फार्मूला को यूज करके आप स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रिम फंक्शन को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है।